तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है गाइस, तुम्हारा ये भाई भी इतनी मेहनत कर रहा है गाइस, कुछ करो गाइस, ये बाइक हम टेस्ट राइड कब तक लेते रहेंगे यार, ऐसे नहीं चलेगा। टीपू सुल्तान की तलवार है ये छुपी हुई है, ऐसे इसको निकाल लेते हैं बाहर। भाई ये मतलब बड़ा अल्टीमेट सीन लग रहा है इसकी चाबी का। जिन लोगों को थोड़ा सा यूनिक बाइक चाहिए, थोड़ा सा यूनिक लुक चाहिए, अलग लुक चाहिए, वो लोग इस बाइक के लिए बड़े आराम से जा सकते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्रूमिंग ब्लॉग बंधु आर्मी। और आज हम आए हुए हैं KTM मस्कुरना के शोरूम में, सेक्टर 63 नोएडा में पड़ता है, ईगल ऑटोमोबाइल्स के नाम से। एड्रेस मिल जाएगा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में, सो क्वेरी कर लेना बाइक्स के बारे में। सो हमारे पास है द हस्कुरना की विटपिलन बाइक 2024 मॉडल 250 सीरीज की। तो बाइक पूरी की पूरी जो है अभी चेंज हो गई है, पूरा एकदम न्यू अपडेट होके आया है। पहले की बाइक आपने देखी होगी, पहले की बाइक बड़ी कॉम्पैक्ट सी और छोटी लगती थी, अभी ये थोड़ी सी जो है बड़ी लगती है बाइक। सो इसका एक क्विक वॉक अराउंड और एक क्विक टेस्ट राइड मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, इस बाइक के बारे में अगर जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाइक जो है अपने आपको देखने में आपको जो है थोड़ा सा कैफे रेसर जैसा लुक है बाइक का, और सीट आप देख सकते हो, सीट जो है वन ऑफ द ब्रॉड सीट आप कह सकते हो किसी बाइक में मैंने देखी है, और कुशनिंग भी काफ़ी ठीक है। और बाकी देखो आपकी टैंक तक, यहाँ तक कुशनिंग है, आप जहाँ बैठते हो राइडर देखो यहाँ बैठता है और उसमें कुशनिंग देखो कहाँ तक है। यहाँ पे हस्कुरना की बैजिंग भी है और जो है आपका ये टैंक है, तो टैंक जो है कवर किया हुआ है, टैंक शराउड्स निकले हुए हैं, और यहाँ पे आपका देखो विटपिलन लिखा हुआ है। और ये 250 सीरीज की बाइक है, तो देखो यहाँ पे 250 लिखा हुआ है। इंजन इसमें जो है 250 सीसी का इंजन है, जो KTM में आपको 250 में मिलता है वही सेम इंजन है। 30 BHP आपको इसमें पावर मिल जाती है, 25 Nm का टॉर्क मिल जाता है ना, जो कि लगभग 9,500 पे आपको पावर मिल जाती है, 7,500 के RPM पे आपको इसका जो है पूरा का पूरा टॉर्क मिल जाता है। असिस्ट एंड स्लिपर क्लच हैं इसमें, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको जो है यू कैन सी के यहाँ पे आपको कोई ना जो वायर जैसे एक्सीलेटर दिखते हैं ना वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे देखो ये सिर्फ केबल्स जा रखी हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ ना सेंसर से पूरा का पूरा इसका जो है कंट्रोल होता है, यहाँ वो तार नहीं है जैसे और बाइकों में होता है। सो इसकी वजह से ना इसका जो एक्सीलरेशन है बड़ा स्मूथ हो जाता है गाइस, ठीक है। और इसके बाद जो है टायर्स की बात कर लेते हैं, तो टायर्स इसमें भी आपको MRF रेव्स के मिल जाते हैं। पीछे आपको 150 सेक्शन का 17 इंची का जो है अलॉय व्हील मिल जाता है। सो फ्रंट में आ जाते हैं, तो फ्रंट में आपको जो है MRF रेव्स 110 सेक्शन 7 इंची का अलॉय व्हील। और इसके बाद गाइस इसका ये देखो फ्रंट फेंडर देखो गाइस कितना मतलब कमाल का इस बार बनाया है, क्या मतलब बेसी लुक आ रहा है। एक बार फ्रंट से देखोगे ना यहाँ पे हस्कुरना की बैजिंग, इसको देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है, और पीछे से एकदम चॉप्ड है, आगे से एकदम बड़ा हैवी सा दिया है। हेडलाइट अगर देखोगे तो LED फुल LED है, पहले भी इसमें फुल LED ही आती थी लेकिन इस बार ना थोड़ी सी ब्रॉड कर दी है, पहले लाइट थोड़ी छोटी आती थी, इस बार देखो बड़ी ब्रॉड कर दी है। हस्कुरना की बैजिंग है, हाई लो बीम का सेक्शन अलग कर दिया है, ठीक है। सस्पेंशन सेटअप सेम वही मिल जाता है जो आपको KTM में मिलता है, WP का है, WP अपेक्स, और एडजस्टेबल नहीं है, सिंपल है, है ना। 320 mm का मैसिव डिस्क मिल जाता है आपको इसमें, वाइब्री के कैलिपर से, डुअल पिस्टन, ठीक है। इसके बाद रियर में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 280 mm का डिस्क मिल जाता है, यहाँ पे वाइब्री का कैलिपर है, सिंगल पिस्टन है, है ना। एलुमिनियम का जो है आपका स्विंग आर्म है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी भी जो बाइक की जो डिज़ाइन की है ना थोड़ा सा अलग किया, पहले आपको इसमें जो है साइलेंसर साइड माउंटेड मिलता था, अभी इसमें भी जो है अंडर बेली जो है कर दिया है, और सीट हाइट भी इसकी भी थोड़ी एडजस्ट हुई है। देखिए यहाँ पे मतलब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना गाइस लगेंगी कि जैसे KTM से एज इट इज उठा ली गई है। ये जो सस्पेंशन है सेम टू सेम साइड में करा गया है, स्विंग आर्म से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको सेम ही लगेंगी एकदम देखने में, ठीक है। फुट पैक्स की बात कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम है, यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक का गार्ड दिया हुआ है पैर पीछे ना जाए,
बाकी ये एलुमिनियम के हैं, ब्लैकआउट किए हुए हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टेल सेक्शन में आ जाते हैं तो वो लाइट जो पहले आती थी वही सेम लाइट है, इंडिकेटर सेम वही है, बट ये जो सेक्शन है थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है, और क्योंकि पहले टायर अगर इसमें नीचे आया करता था, टायर हगर पे इसकी लाइट्स वगैरह होती हैं, अब पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है ऊपर उठा दिया है, तो इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया ताकि भाई इंडियन कंडीशन है, आप जानते हो कि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। इधर मैं आपको जो है साड़ी गार्ड दे दिया है। सो गाइज फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है 13.5 लीटर का, तो मोर देन इनफ है। बाकी एवरेज वगैरह इसमें आपको लगभग 35 के आसपास कंपनी क्लेम करती है, तो उसके हिसाब मान के चलिए 250 सीरीज में जो है अच्छा इसका माइलेज है, जैसे ये बाइक है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीट हाइट जो है इसकी 820 mm है, सो मैं सीट हाइट हमेशा बाइक पर बैठ के ही दिखाता हूँ, तो वो मैं एक बार आपको इसमें बैठ के दिखा देता हूँ कि आपकी हाइट, अगर ये देखिए ये इसमें स्टांस है, राइडिंग बूट्स मैंने पहने हुए हैं, तो राइडिंग बूट्स का ये फ़ायदा मिल जाता है कि इजीली आपके पैर जो है इस पर पहुँच रहे हैं। तो 820 कोई ज़्यादा ऊंची नहीं लग रही है, थोड़ी सी सीट ब्रॉड है, और बाकी देखो ये कुशनिंग यहाँ आगे तक लगी हुई है ना, तो बाकी यहाँ पे आ जाते हैं। देखो TFT इसका मैं अभी ऑन करूँगा तब आपको दिखाऊँगा, लेकिन जो बटन वगैरह है ना ये देखो एग्जैक्ट जो है हमारे KTM के उससे ही उठाए हुए हैं। यहाँ पूरा इसका कंट्रोलर है ना, हॉर्न है, ये सब है, और यहाँ पे इधर आ जाएंगे तो मतलब जैसे KTM की बाइक्स में है वही सेम टू सेम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब करते हैं चेंज और चाबी लाते हैं, इसको भी एक गेड़ी मार के लेके आते हैं। ठीक है गाइस, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है गाइस, तुम्हारा ये भाई भी इतनी मेहनत कर रहा है गाइस, कुछ करो गाइस, ये बाइक हम टेस्ट राइड कब तक लेते रहेंगे यार, ऐसे नहीं चलेगा। पेट्रोल छोड़ो, देखो इसकी चाबी, देखो ये टीपू सुल्तान की तलवार है, ये छुपी हुई है, ऐसे इसको निकाल लेते हैं बाहर। भाई ये मतलब बड़ा अल्टीमेट सीन लग रहा है इसकी चाबी का, मैंने सोचा ये की रिंग है, बट पता चला ये चाबी है, इसके अंदर चाबी है। सो लेके चलते हैं इसको, और देखो इसका जो मीटर कंसोल है वो मैं दिखाता हूँ किस तरह से ऑन होता है। ये देखो वो मतलब वही सेम ड्यूक 250 वाला ही है, इसमें भी ब्लैक जो है LCD है। तो एग्जॉस्ट साउंड आपको आ रहा होगा, सो गाइज पूरा कैफे रेसर वाला जो फील इसमें आ रहा है, बस फर्क ये है पहले इसमें हैंडल आपको प्रॉपर कैफे रेसर मिलता था, अभी जो है हैंडल जो है थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट कर दिया है, लेकिन जो राइडिंग स्टैंस है ना वो वही है जो पहले था, वही सेम राइडिंग स्टैंस है आज भी। और बाकी परफॉर्मेंस अगर मैं कंपेयर करूं तो सेम आपको जो ड्यूक 250 में मिल रही थी वही सेम इसमें भी मिल रही है, बट हाँ ये मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों उससे स्मूथ ज़्यादा लग रही है। जो रियर व्यू मिरर हैं काफ़ी ठीक हैं, जैकेट पहनने के बाद भी मुझे एटलीस्ट इतना देखने को इसमें मिल रहा है कि आपको जो है व्यू मिल रहा है तो ठीक है, मतलब राइडिंग जैकेट में अगर आपको एटलीस्ट व्यू मिल रहा है 70% के आसपास व्यू आपको इसमें मिल रहा है। पावर है, पावर बहुत बेहतरीन है, देखो मैंने बोला 250 सेगमेंट को लिटरली लोग ना नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन 250 भाई अमेजिंग मतलब सेगमेंट है परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसमें आपको 30 bhp की पावर मिल रही है और 25 nm का जो टॉर्क मिल रहा है ना भाई, लिटरली फील नहीं हो रहा है। और बाइक की जो मतलब राइडिंग है मुझे मतलब कंपेयरिंग टू ड्यूक 250 मुझे बहुत अच्छा इसको चलाने में फील आ रहा है। सो जिन लोगों को थोड़ा सा यूनिक बाइक चाहिए, थोड़ा सा यूनिक लुक चाहिए, अलग लुक चाहिए, वो लोग इस बाइक के लिए बड़े आराम से जा सकते हैं। और सीट की जो क्वालिटी है वो मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब देखो इतनी सी मैं पता तो नहीं चल पाता, बट जो है ठीक है, जैसे KTM की बाइक की सीट थी वैसे ही सीट इसकी भी है। और ब्रेकिंग मैंने बताया ना, फ्रंट के जो ब्रेक बाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छा ब्रेक बाइट ले रहे हैं, रियर में जो है आपका थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, फ्रंट से काफ़ी अच्छा है, मतलब जो है फैब्रिक के ब्रेक हैं तो वो लिटरली आपको अच्छा जो है मिलने वाला है वहाँ से फीडबैक।
भाई ये राइड बाई बायर वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बड़ी मतलब कमाल की है, और जो TFT है ना, ये भी बड़ा अच्छे से प्लेस किया हुआ है। मतलब मज़ेदार है यार, बाइक में रेस्पॉन्सिव है। तो ये जो है ना रेस्पॉन्सिव आता है, ये भाई बड़ा मज़ेदार आ रहा है। तो मतलब बहुत निम्बल है यार बाइक जो है, लिटली इतनी निम्बल है। सीट मतलब सिंगल सीट है, थोड़ी सी हार्ड लग रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो और ज़्यादा अच्छा सा लुक आ जाएगा कैफे रेसर वाला। लेकिन सीट नहीं लंबी है, आप आगे टंकी पे भी बैठ सकते हो भाई, इतनी लंबी सीट दी है हस्करना वालों ने। सो गाइस, यही था एक छोटा सा क्विक वॉक अराउंड ऑन टेस्ट राइड विटपिलन 250 की। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। और मेरे हिसाब से ना भाई बहुत मतलब मक्खन बाइक है। मैं कह रहा हूँ 250 सेगमेंट को लोग बहुत ना नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी क्विक टेस्ट राइड। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। गाइस, ये एक इसमें अनोखा ही फीचर मिल गया हमें। मैंने ऐसा सुपर मीटोर में भी देखा था। ये कुछ ना कुछ टाइम होगा भाई इनका, कुछ टाइम के बाद ये जो है बंद हो जाएंगे। सो गाइस, ये वाला जो फीचर है बेसिकली काम कर जाता है आपका, जब आप मतलब कहीं अंधेरे में इसको पार्क करके जा रहे हो।